Yes, welcome to English online classes, class first. How are you? All of you fine? आप लोग बोलेंगे very fine. Class first. देखिए मैंने आपको chapter first और chapter second की reading भी करा दी है आपको और आपको activity भी करा दी है. तो आज आपको chapter third, page number 23, chapter का नाम है आरुषि एंड हर वैकेशन, आरुषि और उसकी छुट्टियाँ. इस chapter में आरुषि और उसकी छुट्टियों के बारे में बताया गया है. तो ठीक है, मैं आपको इस चैप्टर में बता देती हूँ पहले है क्या. देखिए इसमें एक आरुषि नाम की बच्ची है जो क्या करती है, वह जो है ना हर समय मतलब टीवी देखती रहती है या फिर मतलब और मतलब बाहर जाकर नहीं खेलती है और घर में ही कुछ ना कुछ करती रहती है, ये उसके बारे में बताया गया है. ठीक है, तो लेट्स नाउ स्टार्ट रीड. सो लिसन केयरफुली ऑल ऑफ यू. स्टार्ट रिफ्लेक्ट. देखिए रिफ्लेक्ट देखते हैं. समर वैकेशन हैज़ ए लॉट ऑफ फ्री टाइम. जो गर्मियों की छुट्टियां जो होती है ना उसमें हमारे पास बहुत ज़्यादा खाली समय रहता है. डिस्कस हाउ डू यू लाइक टू स्पेंड योर समर वैकेशन. आपको क्या करना है, आपकी गर्मियों की छुट्टियों को बिताना आप कैसे पसंद करती हो, तो उसके बारे में आपको डिस्कस करना है या उस विषय पर आपको चर्चा करनी है. नेक्स्ट लाइन, आरुषि वाज सिटिंग फ्रंट ऑफ द टेलीविज़न. आरुषि कहाँ बैठी हुई है, टीवी के सामने. हर मदर केम टू हर, उसकी माता जी उसके पास आती हैं. मदर आरुषि व्हाई डू यू वॉच टेलीविज़न ऑल द टाइम. उसकी माता जी क्या कहती है, आरुषि तुम हर समय टीवी क्यों देखती रहती हो. इट इज़ बैड फॉर योर आइज़, यह तुम्हारी आँखों के लिए अच्छा नहीं है, तुम्हारी आँखों के लिए बेकार है. आरुषि आई नो, आरुषि क्या कहती है, हाँ मैं जानती हूँ. बट आई डू नॉट हैव एनीथिंग एल्स टू डू, लेकिन मेरे पास करने के लिए कुछ भी नहीं है, मतलब मेरे पास इसके सिवा करने के लिए और कुछ नहीं है. किसके सिवा, टीवी भी देखने के अलावा और कोई काम नहीं है. इट इज़ समर वैकेशन, यह गर्मियों की छुट्टियां हैं. टर्न द पेज, पेज नंबर 24. देखिए मदर यू कैन प्ले आउटसाइड विद योर फ्रेंड्स, तुम बाहर जाओ और अपने मित्रों के साथ खेलो. किसने बोला, उसकी माँ ने बोला. आरुषि बट दे कीप फाइटिंग विद मी, आरुषि क्या कहती है, लेकिन वे मेरे साथ झगड़ा करते हैं, लड़ाई झगड़ा करते हैं. मदर यू कैन गो फॉर स्विम, माँ क्या कहती है कि जाओ जाकर तैरो, तुम जाकर पानी में तैर सकती हो. आरुषि बट आई, बट इट इज़ टू हॉट आउटसाइड, लेकिन बाहर बहुत गर्मी है. मदर आई हैव एन आइडिया, देयर से काइंड लेडी लिविंग डाउन द लेन. उसकी माताजी क्या कहती है, मेरे दिमाग में एक विचार आया है, अपनी ही गली में एक दयालु औरत रहती है. लेट अस विजिट हर, चलो हम वहाँ चलते हैं, चलो हम वहाँ पर घूमकर आते हैं. क्लास फर्स्ट, देखिए पेज ना चैप्टर थ्री, पेज नंबर आपका है 23 एंड 24. मैंने आपको इसकी इंग्लिश टू हिंदी की ट्रांसलेट की है, तो क्लास फर्स्ट आपको ये पढ़ना है. अगर नहीं आए तो आप स्कूल में आकर पूछ सकती हैं. थैंक यू.